अभी तो मेरा इंतकाम शुरू हुआ है शायद। देखना मैं सबकी काया कैसे पलटती हूँ। खा लाए मक्की कसम, रखे लाए मक्की सर पे हाथ अभी। क्या कर रही हो तुम? खुशबू सूंघ रही थी, काफी अच्छी है। कब लिया आपने ये परफ्यूम? ये वो तो परफ्यूम है जो रोज सुबह मैं तुम्हारे सामने ऑफिस लगा कर जाता हूं। कमाल है, इंसान बदल जाते हैं ये तो सुना था, खुशबू भी बदल जाती है ये आज देख रही हूं। सच सच बताएं असद, किसने आपको अपने शहर में चकड़ कर रखा हुआ है? सुनो बस, आवाज ऊंची कर लेने से या चीख लेने से आप अपने अंदर के सच को नहीं छुपा सकते असद। सच जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें लायबा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि आज की अदालत से तो आप बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, अगर लायबा की आने वाली जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई तो इसके कसूरवार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। और एक और बात, शौहर का थप्पड़ अगर बीवी को हर बात पर लगे तो उसे राह रास्त पर ले आता है, लेकिन अगर वही थप्पड़ ना हर बात पर लगे तो पूरे घर को राह रास्त से हटा देता है। याद रखिएगा। जब पहली बार असद को मैंने अपने वजूद में महसूस किया, जब से मैं और असद साथ हैं, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका दिल, उसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज की मैं गवाही दे सकती हूं। अब सच पूछो तो मुझे असद से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि शिकायत तो अपने बेटे से होती, ये तो मेरा असद है ही नहीं, किसी बड़े से बदतमीजी तो क्या, ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता था। ये सारे बदलाव के पीछे जरूर कोई और बात है। मिसम ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी है, ऐसी क्या बात हो सकती है? मर्द में सिर्फ दो ही सूरतों में बदलाव आता है, जब बीवी से उसका दिल भर जाए और या फिर अपनी बीवी से ज्यादा किसी दूसरी औरत पे फिदा हो जाए। यानी आपको शक है कि असद भाई की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? हाँ, और आज ये शक यकीन में बदल गया। अम्मी अम्मी अगर आपकी ये बात सच साबित हुई ना, तो कसम है मुझे भाभी की, मैं हमारा घर बर्बाद होने से पहले उस औरत की जिंदगी बर्बाद करूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा उसे। और इस जंग में एक माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी।
भाभी प्लीज एक दफा तो सोच लेना इस बारे में। कैसे कैसे शजा, मैं एक ऐसे शौहर के साथ कैसे अपना कमरा और घर शेयर करूं जो मेरा ब्राह ही नहीं। भाभी वो आपके तो क्या सब भाई किसी के भी नहीं है, और मैं जानती हूँ जिससे आप मोहब्बत करें वो आपसे छिन जाए, उसे दोबारा अपना बनाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं जानती हूँ भाभी, अपनी जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी ही जगह इतनी आसानी से छोड़ देना अक्लमंदी का तकाजा तो नहीं है ना। आपके घर से चले जाने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन असद जरूर आजाद हो जाएंगे। भाभी आप अपने शक को हवा मत दे, शक दीमक की तरह होता है, हर रिश्ते को खा जाता है। मैं शक नहीं कर रही शिजा, मुझे यकीन है। जैसे एक औरत के किरदार को मर्द उसकी चाल से पहचान जाता है, वैसे ही औरत मर्द की चोर नजरों को पहचान जाती है। I don't know भाभी, मुझे नहीं लगता कि असद भाई ऐसे। पता है शिजा, वही इंसान आपको दुख पहुंचाता है जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे होते हैं खुशियों की, असद भी उनमें से एक निकले। भाभी आपका असद भाई के साथ 20 साल का रिश्ता, 2-3 का नहीं। असद इस वक्त सुलगती हुई उस लकड़ी की तरह, अगर मैंने छूने की कोशिश की तो मैं ही जलकर राख हो जाऊंगी, और मैं असद का माजी नहीं बनना चाहती। घर छोड़ के चले जाने के फैसले से आप अपने आप को माजी में ही धकेल रही हैं। भाभी आपको पता है सब्र भी रंग लाता और गुस्सा भी, लेकिन जो गुस्सा होता है ना वो मोहब्बत के हर रंगों निकल जाता है, लेकिन सब्र जिंदगी को हसीन बनाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब्र करें और लाइबा के बारे में सोचें। अरे साहब, अरे साहब आप यार आते हो, कमेटी वालों को एतराज हो रहा है कि मुझसे कह रहे हैं कि बंदा कौन है, किसे मिलने आता है। अगर आप इसी तरह आते रहे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा कि हाँ मैं अपनी बीवी से मिलने आता। अच्छा, बीवी आपकी? ठीक है साहब। आप नहीं रखे रखे? नहीं नहीं रखें रखें, काम आएंगे, खुश रहिए। क्या बोल रहा था वो? तुम्हारा दामाद है वो, शादी की उसने। मम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। लाइबा प्लीज, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हारी किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मम्मा जरूरी बात। मैंने कहा ना लाइबा, मुझे अभी नहीं बात सुननी। एक बात समझ में नहीं आती, जाओ यहां से, जस्ट गो।
कम इन। सर तुम यहाँ? तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था सर। अगर तुम यहाँ किसी ने देख लिया तो क्यों आई तुम यहाँ? बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए। जब से आपसे फोन पे बात हुई दिल बहुत घबरा रहा था, ऐसे लगा जैसे आप ठीक नहीं है, तो बस सोचा आपको देख लूं। आप जानते हैं यहाँ आने से पहले मैं अम्मी से मिलने उनकी कब्र पे गई थी। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने आपको बुलाया अपने पास। लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। आसिफ भाई, निशन, तुम? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, आप प्लीज यहां से चली जाएं। मुझे अकेले में अपने भाई से बात करनी है। मैडम यहां से रुको। मैडम यहां से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि तुम यहां से बाहर जाओगे। आउट। व्हाट? अरे ऐसे भाई ऐसे तो मत कहें आप। मैं बाद में आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, उससे क्या बात करते हो? इधर मैं खड़ा हूं, मुझसे बात करो। सर सर प्लीज आप जाइए प्लीज। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्या करोगे जानकर? क्यों बताऊं तुम्हें? क्योंकि मैं आपका भाई हूं। भाई भाई जानते हो मिसम, मियां बीवी और मां बाप के रिश्ते के बाद तीसरा रिश्ता किसका तकलीफ हुआ था? भाई भाई का। हाबील और काबील के नाम से एक भाई जितना ही अच्छा, जितना सच्चा और जितना खरा था, तो दूसरा उतना ही बुरा, खुदगर्ज और लालच से भरा हुआ। तो फिर आप मुझे क्या समझते हैं? मैं क्या हूं आपके लिए, हाबील या काबील? मैं अपनी राय तुम पर क्यों इंपोज करूं? पहले खुद फैसला करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। मैं हमेशा आपके लिए हाबील ही रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ना आप सिर्फ मेरे लिए बल्कि घर वालों के लिए काबिल साबित हो रहे हैं? इसम, खोल भी दे अब शायद। क्या हो गया तेरे चेहरे पे? क्यों 12 बजे में आप? तेरा बाप आया हुआ अंदर, अब तक 4 प्लेटें बिरयानी की खा चुका है और गंदी गंदी नजरों से देखे जा रहे हैं मुझे। मुसीबत। हाय अल्लाह, किसी ने सही कहा है, बुरे लोग ना जल्दी नहीं मरते। चाहता क्या है ये मुझसे? वो ही जो तू असल से चाहती है, पैसा और क्या। अगर गंदी गंदी नजरों से ताड़ रहा है तो दुपट्टा लेके अपना सर पे और अंदर नहीं आना। मेरी आया, तूने आठ बेटी, क्या बात है तेरी? खुदा की कसम पेट भर गया, नियत नहीं भर रही, करोड़ों की बिरयानी खाने का अपना ही मजा। तुम्हारी ये लालच कब खत्म होगी अब्बा? ये मेरे अंदर क्या लालच को ना तू नहीं जगाया। अबे मैं तो काम सा जवारी हुआ करता था, कभी एक वक्त में बाजी हार के घर का खाना गुवा देता था, कभी एक बाजी जीत के 4 वक्त का घर का खाना कमा लेता था। ये मेरे अंदर की भूख को ना तू नहीं बढ़ाया है। कभी मैंने अपने बेटे के इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसकी मौत की दुआ की, याद है? याद है क्या कहा था तूने उसकी मैयत पे? ये जुनेद की मैयत नहीं है, हमारा खजाना पड़ा हुआ है, खजाना। हाँ बहुत अच्छे से याद है मुझे, और ये भी याद है कि उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेरे हिस्से के सारे पैसे हड़प करके मुझे उस कंगले के साथ रुखसत कर दिया। अबे तू भी तो मेरी बेटी है, तूने कौन सी कसर छोड़ी? हाँ अपनी ही बहन को
यरकमाल बनाकर वो सारे पैसे मुझसे सूद समेत वापस ले लिए। इतना भी नहीं ख्याल किया कि अरीबा तेरी बहन। मेरी तो फिर भी बहन थी अब्बा, तुम्हारी तो बेटी थी। लेकिन तुमने क्या किया, बेच दिया उसे? हाँ? अरे बाप तो क्या, कसाई कहलाने के भी काबिल नहीं हो तुम। और ये हिसाब किताब छोड़ो, मतलब की बात पे आओ। मतलब की बात ये है, अगर तूने मेरा मतलब पूरा नहीं किया तो 2 मिनट में तेरे मतलब को आग लगा। सादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मेरी नजर में ना तुम सिर्फ विलन हो। नहीं नहीं, बल्कि विलन बनने के लिए भी तुम्हारी ये बेटी काफी है। उसे पंगा नहीं लेना आपा, मैं अब बहुत खतरनाक हो चुकी हूँ। प्यार से मिठास मांगोगे ना, थोड़ा सा शहद दे दूँ, लेकिन अगर ये धमकियां दी ना मुझे तो जहर खिला के मरने भी नहीं दूंगी। वाह बेटा वाह, वाह तू तो बड़ी हो गई है। अच्छा सुन, जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते ना, है बेटा बस दुआ कर, बंपर प्राइज निकला है मेरा, सूद समेत तुझे पैसे वापस करूंगा। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से अब। अच्छा सर बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ ना, नाम भी भूल जाता हूँ। अब तो तुम मिसेस अशद हो गई है ना, वही मीसम जिसे तूने कॉलेज में फंसाया था, उसके बड़े भाई की। अब्बा बस, आवाज हल्की रख, हल्की रख आवाज। बाप हूं तेरा मैं, इस कहानी में एक ही विलन है, शराफत, और तू एक छोटा सा किरदार है। अगर मैं तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझ सकता हूं तो उसी दुश्मन को अपना दोस्त भी बना सकता हूं। जीती क्या बचा है मेरे पास, बदनसीब लकीरों से भरे हुए हाथ, तुम्हें पता है फरा, वो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मार रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकी मां होते हुए, छोड़ आई उसे मरने के लिए वहां पर। लेकिन खाला, अरीबा को उसके हाल पे इस तरह छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, हमें किसी भी तरीके से उसे वापस घर लाना होगा। मेरी बेटी बेची गई थी, और खरीदा हुआ सामान कभी वापस नहीं हो सकता। रिश्तों में अगर रंजिशें पैदा होने लगे तो हमेशा अच्छे वक्त को याद कर लेना चाहिए। इस तरह
मोहब्बत नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। लेकिन रिश्तों में दूरियां नफरतों से नहीं बल्कि शक से आती है। शक तो जब ही होता है ना जब कोई दूसरी औरत जिंदगी में आ जाए। मुझे तो अफसोस होता है उन मर्दों पर जो इतने बेहतरीन और मुखलिस रिश्तों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते। अफसोस उन पर नहीं बेटा, उनकी बदनसीबी पे होता है, क्योंकि एक मुखलिस बीवी और माँ के पैरों के नीचे जन्नत बार बार नहीं मिलती। आप फिक्र क्यों करती हैं मम्मी? मैं अपनी जन्नत छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ? मैं हमेशा से आपके साथ हूँ और मरते दम तक को मैंने आपके साथ के साथ रहूंगा। सदाब कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताएं मुझे, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? अरे मुझसे बात तो करें, मैं आपकी बीवी हूँ, क्या हो गया आपको? एक हफ्ते के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तुमसे और इस घर से बहुत दूर। असद मेरी बात तो सुने। असद अरे ये तो क्या कर रही है वफा? इससे पहले कि असद के घर वाले उसकी हालत देख के मुझ तक पहुंचे, मुझे असद को ऊपर वहां जाने। इसका मतलब है कि तू अपने शौहर की बरसी और एनिवर्सरी में ज्यादा गैप नहीं देना चाहती। पागल है क्या? अब मैं इतनी भी जालिम नहीं कि असद को कब्र में उतारने से पहले उसे अस्पतालों के चक्कर ना खिलाऊं। Really? बस अब तो तू तमाशा देखती जा कि कैसे वफा अपने जहर से मीसम की पूरी फैमिली को जिंदगी और मौत के बीच में लटका के रखती है। और ये मेरे जहर का आखिरी तड़का। सुन, ये ना मुझे ढक्कन ऊपर ही रखा जाएगा, मेरा हाथ जल जाता है, जरा रख देना। और हमारी ना ये दाल है, ये हमने खानी है, गलती से भी इसको हाथ ना लगाना वरना आते तो ऊपर पहुंच जाएगी। चल रख उसको ऊपर, अपनी दाल तो देख लूं कैसी बन रही है। वाह, आलू गोश्त, क्या बात है। एक बात बोलूं तुम्हें हरीबा, मियां का दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता। आओ मेरा खाना खाओ। अरे बैठो। एक बात पूछूं आपसे? बोलो। बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, तुम्हारी सादगी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि कोई बात बुरी नहीं। बोलो। पापा ने जिन पैसों के बस आप से मुझे ब्याए, अगर वो रकम आपको वापस मिल जाएगी तो आप मुझे आजाद कर देंगे? आजादी क्यों चाहिए तुम्हें? वो बस
ऐसे दिल में सवाल है तो सोचा आपसे पूछ लूं। मैं जानता हूं अरीबा, हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, मगर इस शादी पर पूरी जिंदगी कमाई लगी है मेरी, तो ये बात पूरी जिंदगी याद रखनी है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं हमारे रिश्ते में, समझ रही हो ना? एक सेकंड, सीरियसली मेरे पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। उफ तौबा सर, तुम्हारे जोक्स तो कुछ दिन और साथ रहना सिद्ध भाई, तो जिंदगी हसीन से हसीन तर हो जाएगी। आप खा क्यों नहीं रहे? खाए ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत सारा खा लिया, बस अब मैं और नहीं खा सकता। थैंक यू। इससे क्या होगा? मेरा मतलब है कि आप अगर अपने खाने की इंटेक कम रखेंगे तो वीक हो जाएंगे ना। और याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको निहारी बहुत पसंद है, तो बस ये दो बोटियां एक पाइप। डोंट वरी, मैंने पेट भरकर खा लिया, आई एम डन। मेरे लिए अब कौन काफिर तुम्हें इनकार करे, खा लेते हैं जी, खा लेते। चले बैठ ले। लेकिन विदाउट रोटी, सिर्फ एक बोटी चाहिए। असद आप ठीक तो हैं? हाँ, पल्पिटेशन अचानक। असद, are you sure आप ठीक तो हैं? एकदम दिल में दर्द सा उठा है, सडन पेन, पहले भी हो चुका ऐसा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अब उठे, मैं आपको आपके कमरे तक लेके चलूं। चले चले शाबाश। हाँ जाए जाए ऐसे भाई, रेस्ट करें आप। चलो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दुबई गया है। मिसम, तुम जरा ऑफिस जाके पता करो उस डेलीगेशन के बारे में। जी अम्मी, ठीक है। मुझे तो लगता है हमें असद भाई को ट्रेस करना चाहिए, इस तरह हम बहुत जल्द हकीकत जान पाएंगे। ठीक कह रही हो शिजा। मम्मी, मुझे लगता है कि मीसम को असद का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि असद कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तुम कितनी अच्छी हो सर, कितनी अच्छी। I wish कि इस दुनिया की हर औरत तुम्हारी तरह हो जाए, नेक, पाकीज़ा। तो कसम से ये दुनिया ना रहे, बल्कि जन्नत मिल जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, अगर परवाह है तो सिर्फ आपकी। आई थिंक आपको आपकी मम्मी याद आ रही है ना? सर, मुझे लाइबा के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, मैं क्यों इतना खुदगर्ज बन गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मत सोचें। आपने जो भी किया वो
मौके की मुनासिबत के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया। और आप जानते मेरी अम्मी जान क्या कहा करती थी, वो कहती थी कि अगर एक झूठ से किसी को लम्हे भर की खुशी हासिल होती है तो सच बोल के उसकी जिंदगी भर की खुशियां उससे नहीं छीननी चाहिए। सर मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मम्मी को जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन उनकी नजरों में मेरा क्या मकाम। असद माँ का कोई निर्मल बदल नहीं होता। अरे माँ की मोहब्बत तो बहते हुए दरिया की तरह होती है जिसे ना कोई चाकू और ना ही कोई तलवार काट सकती है। माँ इस दुनिया की वो इकलौती शख्सियत है जो खुद तो मिट जाएगी लेकिन कभी अपनी औलाद को नहीं मिटने देगी। तुम सच कह रही हो सर? मैंने पहले कभी आपसे झूठ कहा और मेरा वादा रहा कभी आपसे झूठ बोलूंगी भी नहीं। और कल मैं आपको कब्रिस्तान लेके जाऊंगी। अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए। शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल सके। इंशाल्लाह। थैंक यू। चले आप आराम करें। चले चले चले। पता है सर, कहते हैं कि अगर माँ मर भी जाए ना तब भी हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ को होती, और अगर ये दुनिया इसकी औलाद को परेशान करे तो अपने खुदा से शिकायत करती है। ठीक कह रही हो सर। आपको मुझसे आज एक वादा करना होगा। कैसा वादा सर? आपको मेरी माँ के सामने उनकी गवाही में यह वादा करना होगा कि आप अपनी आखिरी सांस तक ये रिश्ता निभाएंगे। सर मैं तुमसे, तुम्हारी अम्मी से ये वादा करता हूं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चले दुआ। हाँ मैं आपकी बेटी का मरते दम तक साथ निभाऊंगा। जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद भाई हैं? सर असद साहब तो एक हफ्ते के लिए दुबई गए, आपको नहीं पता इस बारे में? इसलिए तो आया हूं, जरूरी बात करनी है आपसे। इधर आए। चल क्या रहा है जावेद साहब? टेल मी, आप हमारे परसों पुराने एम्प्लॉई हैं, क्या मुझ पर इतना सभी ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप मुझे सच सच बताएं कि हो क्या रहा है। सर दरअसल हमारी रिसेप्शनिस्ट है आजकल असद साहब उसके बहुत करीब। नाम क्या है उसका? सर सहर। एड्रेस क्या? सर देखें प्लीज, मैं बता तो दूं आपको लेकिन आपका नाम
कहीं नहीं आएगा। आपकी नौकरी और आपका नाम दोनों सेफ हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन मुझे हर हाल में उस लड़की का एड्रेस चाहिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, मैं फाइल में है एड्रेस, मैं आपको लाके देता हूँ। एक और बात, ऑफिस में किसी से भी इस बात का तस्करा मत कीजिएगा। ऐसी बात कर रहे हैं मैसम साहब, अगर अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये बातें मैंने आपको बताई हैं तो मेरी नौकरी तो फौरन चली जाएगी। मैं भी लाके देता हूँ। कहाँ रह गए आप? कहाँ थे आप मीसम? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी, क्या हो गया है? या वही हुआ है जिस बात का डर था शिजा? किस बात का डर था? असद भाई की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी है।